आज की इस वीडियो में हम कुछ रमज़ान की रेसिपी के बारे में बात करेंगे और ऐसी रेसिपी, ऐसे इंग्रेडिएंट, ऐसी चीज़ जिसके बगैर हमारी इफ्तारी नामुकम्मल होती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मारिया नदीम खान हियर। आई एम वर्किंग करंटली एट रेनबो ओबेसिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर सेंटर और पिछले 10 साल से जो है मेरा इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ खजूर की। खजूर ऐसी चीज़ है कि जो हमारे दस्तखान पे ना अगर हमें नज़र आए तो हमें लगता है कि अफ्तारी ही में कुछ ना कुछ कमी रह गई है। लेकिन आज मैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जिसके साथ हमें खजूर के साथ और भी कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिल सकते हैं। तो बेसिकली खाली खजूर को खाने का तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, आप में बहुत ज़्यादा मल्टी विटामिंस जो हैं वो मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप इसका कॉम्बिनेशन नट्स और सीड्स के साथ कर लें तो आप कह लें कि इसकी जो अफादियत है उसमें चार चांद लग जाएंगे। तो आज मेरे पास जो है वो डेट्स हैं जिनको मैंने फौरी तौर पे ईरानी डेट्स ली हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नरम और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती हैं, जिनको आप कहीं पे भी आपको भिगोने की और सोक करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें से मैंने फौरी तौर पे गुठली निकाली और इसको पलट दिया। पलट इसलिए दिया क्योंकि आपने देखा है डेट्स की ऊपर की जो सतह होती है वो स्लिपरी होती है, वहाँ पर कोई भी कोटिंग जो है वो कोट नहीं हो सकती। तो उसके अंदर मैंने जो है वो काजू को भराया है और मैंने बादाम को भराया है। इसके अलावा आपके कोई भी मनपसंद मेवा जात है आप उसकी भी फिलिंग कर सकती हैं। और जो मैंने रोल किया है, इसकी दो रोल की फिलिंग्स थी जिसके ऊपर मैंने रोल किया। एक तो मैंने इसको तेल के साथ रोल किया और एक मैंने इसको नारियल के बुरादे यानी कि कोकोनट पाउडर के साथ रोल किया। आप अपनी मनपसंद कोई भी कोटिंग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप ओट्स में भी इसको रोल कर सकते हैं, मिक्स नट्स के पाउडर के साथ भी इसको रोल कर सकते हैं, ताकि डेट्स की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है इसमें हम इजाफा कर सकें। और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो अपने रोज़ा अफ्तार करते वक्त डेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो इस कॉम्बिनेशन के साथ करेंगे जिसमें एक नट्स भी आ जाएगा और सीड्स भी आ जाएंगे, तो उनकी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है उसकी सतह उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी जितनी तेज़ी से एक आम अकेली खजूर खाने से बढ़ सकती है। तो अपने रमज़ान को हेल्दी रेसिपीज़ के साथ इंजॉय करें। और आपको कोई भी सवाल है तो आप रेसिपी से रिलेटेड मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।